तुम में से अब की बार 2023 में नौकरी कौन लगना चाहता हाथ खड़े करना। 2023 का मैं तो है ही को नहीं, वैकेंसी नहीं है, कैसे लगाओ करे। बनावटी बातें करते थे। एक मिनट, शायद न्यू जनरल की क्लास के अंदर मैंने आपको बता दिया था, नौकरी लगने के लिए नौकरी जैसा माहौल बनाया जाता है फिर नौकरी मिलती है। जो बच्चा ऐसे सपने देखता है ना, सपने पूरे तब होते हैं जब उस पर काम किया जाता है। मेरी बात समझ में आ गई? आप लोगों के सामने एक वैकेंसी है, मैंने बताया था आपकी क्लास में? नहीं बताया था? अब ध्यान देना, एक वैकेंसी बहुत ही अच्छी आई है, पशु परिचर भर्ती। बताया था क्या इसके बारे में? पशु परिचर भर्ती आई है, ये बहुत ही आसान है इसमें लगना। एक बात बताऊं मैं आपको, बहुत ही आसान है क्योंकि लेवल बहुत छोटा है इसका। हम तो ये चाहते हैं भी किसी न किसी तरह से बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए, आदमी चाहे चपड़ा सी लग जाए। इसके अंदर जो पोस्टें आई है ना, वो मेरे ख्याल में 5937 है, पता नहीं 7037 है, 737 है, कुछ इस तरह से अप्रोक्स में मैंने आपको बताया भी 5000 समथिंग है, 5347 होगी या 937, एक बार आप मान के चलो भी 5000+ आपकी क्या है इसमें पोस्टें हैं, ठीक है। दूसरी बात ध्यान से सुन लो, इस वैकेंसी के अंदर 10वीं पास व्यक्ति चाहिए, कोई अन्य डिप्लोमा नहीं चाहिए। अब तुम ये बताओ भी 10वीं पास के लिए ये वैकेंसी जो आई है, इस वैकेंसी में कितनी की मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को? करनी नहीं, मेहनत नहीं करनी, ठीक है, लेवल बिल्कुल ही छोटा सा बनेगा। 10वीं पास की वैकेंसी है, इसका मतलब 8वीं तक की किताबें जो है ना वो रटने की ज़रूरत है। किताबें रटो, चाहे वो हिंदी तो इसमें आएगी नहीं, इसमें मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, ये सब चीज़ें हैं। एक आप लोग याद रखना, जो बच्चे ये कहते हैं भी सर हम तो बुढ़े हो गए, कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ लड़कियां हैं ऐसी, मेरे पास कई बार फोन आता है सर उम्र तो निकल गई, अब बता दो कोई ऐसी चीज़ जिससे हम लोग नौकरी लग जाएं। पवन सर के पास जादू की छड़ी है? नहीं ना। यहाँ पर याद रखना, 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक का आदमी या 40 साल तक की औरत पेपर दे सकती है, छूट मिल गई। अगर कोई बच्चा SC ST का है तो +5 कर लो, OBC का है तो 3 कर लो। लेकिन एक इसमें छोटी सी कमी है, वो क्या है, ये अदर स्टेट की है, ये राजस्थान की वैकेंसी। तो एक बात मुझे बताओ यार, राजस्थान भारत से बाहर है, तुम इसमें ट्रायल ले सकते हो। जब राजस्थान के अंदर टीचिंग की पोस्टें आई थी ना, टीचिंग की वैकेंसी आई थी, मैंने इसी तरह से बताया था, ये कईयों के, तू इलाज करा यार, तू मिश्री रखा कर, मुँह में डाल ली फिर खांसी कम आएगी, या इलायची रखा कर, ये अच्छी फायदे की चीज़ है इसके लिए। सुनो, मैंने क्या कहा, पशु परिचर भर्ती जो है इसके बारे में अब मैंने बता दिया, जिसके सेट बैठेगी वो भरेगी, जिसके नहीं सेट बैठेगा वो भरेगा नहीं। मैंने राजस्थान के अंदर टीचिंग की वैकेंसी आई सुबह सुबह बड़ी क्लास में कहीं ऐसे बता दिया, मैंने कहा भाई रीट का इस तरह से पेपर है कोई देना चाहे तो। एक लड़की ने शादी के 12 साल के बाद में फॉर्म लगा दिया रीट का, इनको बाहर बिठा रही है, बीच में कैसे आ गई, अदर ब्रांच से हो, बीच में नहीं आते हैं, थोड़ा ध्यान करो। उसने फार्म भर दिया शादी के 12 साल बाद में, और माँ सरस्वती ऐसी मेहर कर गई उसके ऊपर, उसका पेपर पास हो गया 12 साल के बाद में। ससुराल के बाद में आदमी पढ़ने दे या न दे उस पर डिपेंड करता है, आदमी ने पढ़ने नहीं दिया, बस चोरी छुपे पढ़िया करती, आदमी खेत चला जाता था वो पढ़ लेते थे, आदमी को शादी विवाह में चला जाता वो 2 घंटे ज़्यादा पढ़ती थी। भाई मेहनत आपको करनी है, दिशा मैंने दे दी। अब उस लड़की का रेट का पास हो गया, फाइनल सिलेक्शन हो गया, उसको जिला कौन सा मिल गया, चूरू, कौन सा मिल गया, चूरू, सीकर झुंझुनू सेखावाटी एरिया है, अच्छा एरिया है, दाल बाटी चूरमा मिलता है इधर, चूरू में ज्वाइनिंग होगी उसकी, साइंस उन करा ली। उसके बाद में मेरे को फ़ोन किया गुरुजी, मैंने कहा
आपकी एक बेटी नौकरी लगी राजस्थान में। मैंने कहा अच्छा, क्या? हाँ। फिर उसने आप बीति मेरे को बताई, तो आप लोग बताओ उसे उसे फायदा हुआ ना। हमारा बोलना अगर किसी पर अच्छा खेल खेल जाए तो फायदा है, नुकसान नहीं है ना। तो ये वैकेंसी सभी के लिए है। अदर स्टेट का कोटा होता है बेटा 15%, 10%, 12%, 18%, 25% जो वो रखेगा। आप लोग ट्राई करो, आपको तो एक सीट चाहिए। कितनी सीट चाहिए? आपने एक सीट पर गेम खेलना है। आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, सैलरी पैकेज अच्छा, उम्र देखो 18 से 40। जो आदमी 40 साल का हो गया वो भी पेपर दे सकता है, क्योंकि अभी ओवरेज होने में 2-3 महीने तो रह गए होंगे। इतनी एक बताऊं, इसका पेपर कब होगा? इसका पेपर होगा अप्रैल प्लस जून, अप्रैल और जून के मध्य इसका पेपर होगा। टाइम पड़ा है। इसमें एक और चीज बता दूं मैं आपको, 70% इसमें राजस्थान जीत के आएगी साहब। कितने परसेंट? 30% इसके अंदर जो आप लोग कर रहे हो बेस का पता चल जाएगा आपको। मैथ्स है, रीजनिंग है और इसमें करंट जीके, ये सब चीज़ें बढ़ सकते हो आप ना।